जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के अंदर ही उनके पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत कुछ चलने वाला है। क्योंकि आप सबको पता होगा, कल मैंने आपको बताया था, अब इमरान खान शायद कुछ दिनों का मेहमान है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनके जो अपोजिशन है वो बिल्कुल साथ में आ चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान उनके जो पीटीआई है उनके अंदर भी 20-25 मेंबर ऐसे हैं जो इमरान खान के साथ छोड़ने वाला है। इसी वजह से उनको पाकिस्तान के पार्लियामेंट में मेजोरिटी प्रूव करने में मुश्किल आ सकता है। हालांकि इमरान खान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और फैज हमीद जो पहले DGISI थे उनके थ्रू पाकिस्तान के आर्मी के अंदर भी वो अपना सपोर्ट कैसे भी करके, या तो कुछ उनको पोस्ट देने के लालच, या फिर उनको ब्लैकमेल करके अपने साथ लाना चाहते हैं। और 10-12 दिन के बाद पता चल जाएगा कि अब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं या फिर जो जनरल बाजवा है वो उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। लेकिन इतने सारे कुछ हो जाने के बावजूद भी वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ काम करने के पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता है। अब आप सबको पता होगा, 2 दिन के बाद पाकिस्तान में मार्च 22 और 23 तारीख को OIC मीटिंग होने वाला है, और मेन एजेंडा पाकिस्तान का है कि वो कश्मीर मुद्दे को लेकर कैसे, जो OIC में बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री है, एक तरीके से आप जानते हो जो मुस्लिम कंट्री है वो OIC को एक तरीके से नाटो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि 56 मुस्लिम कंट्री है फिर भी उनके बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और एक दूसरे के देश के खिलाफ वो जंग भी कर रहे हैं अगर आप देखो तो बहुत सारे एरिया में। इस वजह से इतने ज़्यादा नंबर होने के बावजूद ये कभी भी एक साथ तो नहीं आ पा रहे। लेकिन पाकिस्तान का काम है कि वो कश्मीर मुद्दे को लेकर जो पाकिस्तान के अंदर OIC मीटिंग होगा वो भारत के खिलाफ कैसे भी करके अपना प्रोपेगेंडा को आगे फैलाए। लेकिन लग रहा है कि शायद जो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री है वो पाकिस्तान का साथ कश्मीर मुद्दे पर नहीं देंगे। मैं बात करूंगा वो कौन से कंट्री है और क्यों नहीं देंगे। इसके साथ साथ आप सबको पता होगा, पाकिस्तान ने ये प्लान किया था कि जो कश्मीर में हुर्रियत लीडर है, जो पाकिस्तान के टुकड़े पर कश्मीर में जी रहे हैं या फिर कश्मीर को नर्क बनाने के पीछे उनका हाथ है पिछले 20-30 सालों से, उनको OIC मीटिंग में आज एक गेस्ट बुलाया जाना था, और भारत इसका विरोध किया है। मेरे हिसाब से भारत ने विरोध करके बिल्कुल गलत किया। उनको OIC मीटिंग में भारत भेजना चाहिए था कि वो जाकर OIC मीटिंग में भारत के खिलाफ जो कुछ बोलना चाह रहे थे वो बोल सके, ये मेरा मानना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको भी आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ यासीन मलिक के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि यासीन मलिक के ऊपर देर से सही अब उसके ऊपर कार्रवाई होगा, और उनके जो वाइफ कश्मीर में, जो कश्मीर छोड़कर तकरीबन 2-3 साल से पाकिस्तान में, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यासीन मलिक के लेकर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर हम कंट्री की बात करें, कौन से कंट्री OIC मीटिंग में पाकिस्तान के साथ नहीं देंगे, उसमें आप इंडोनेशिया, मोरक्को, ओमान, सऊदी अरब, UAE जैसे बड़े बड़े देश का नाम आप ले सकते हो। अगर हम ओमान की बात करें, ओमान की तो कोई फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे ही नहीं OIC में, क्योंकि जस्ट 1-2 दिन के बाद वो भारत विजिट पर आएंगे, और इंडिया और ओमान के संबंध बहुत पहले से है और ये दोनों देशों की संबंध ज़्यादा मजबूत होगा, और ओमान पाकिस्तान के कंपेयर में भारत को अपना ज़्यादा दोस्त देश मानता है, और ओमान में हमारा नेवल बेसिस वगैरह भी है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। तो ओमान तो बिल्कुल भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, इसके साथ साथ उनके तो कोई बड़े लेवल पर मिनिस्टर भी नहीं जाएंगे। इसके बाद मोरक्को और इंडोनेशिया भी है, वो भी शायद अपने बड़े लेवल पर विदेश मंत्री है वो नहीं भेजेंगे, और मोरक्को अफ्रीका में एक भारत के लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है, और मोरक्को आज भारत इंडिया को अपनी इकोनॉमी के अच्छाई के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है पाकिस्तान की कंपेयर में। इसके साथ अगर इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया के साथ भी हमारा संबंध ज़्यादा मजबूत हो रहा है, मलाका स्टेट में हम भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप सब जानते हो दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर हम भारत को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री के हिसाब से पॉपुलेशन इंडोनेशिया का ज़्यादा है, फिर भी इंडोनेशिया कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देगा, पाकिस्तान के साथ जाने के चांस कम है। इसके साथ साथ दोस्तों जस्ट UAE के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और UAE तो 2-3 साल से ही आप कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ में नहीं है, बल्कि UAE खुद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। सऊदी अरब भी अब खुलकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ आएगा नहीं, जब इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट देश पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर साथ नहीं देंगे तो पाकिस्तान कुछ छोटे मोटे देश या फिर टर्की के सपोर्ट में जो कुछ भारत के खिलाफ बयान जारी कर सकते हैं उससे ज़्यादा डिप्लोमेटिकली फर्क हमें नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तो अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, वो करेगा ही, लेकिन अगर आप उसका असर देखोगे तो कुछ होगा नहीं। अब आते हैं जो हुर्रियत लीडर है वो क्यों भारत पाकिस्तान में भेजा नहीं, और मैं क्यों मानता हूं कि गलत है। देखिए मैं इसलिए गलत मानता हूं, जितने भी हुर्रियत लीडर अब कुछ बचे कुचे हैं, मीर भाई फारूकी या फिर यासीन मलिक और कुछ 1-2-3 जितने भी है,
उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए और वो पाकिस्तान जाकर उनके जो पाकिस्तान के संसद है या फिर जहां पर OIC मीटिंग हो रहा है वो भारत के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं करें, फिर उनको भारत आने के लिए बिल्कुल परमिशन ना आने दिया जाए, मतलब वो पाकिस्तान में ही रहे और वहां ही मरे। क्योंकि वो देश अगर उनको ज्यादा प्यारा लग रहा है वो भारत में रहकर क्यों हमारे खाकर हमारे खिलाफ बोलेंगे। मेरे हिसाब से भारत सरकार विरोध तो किया है लेकिन उनको कैसे भी करके पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए ताकि वो वहां जाकर गटर के कीड़े गटर में ही सोवा पाते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि अब यासीन मलिक के बीवी के साथ जैसे हुआ, वो भारत में रहकर कुछ टाइम तक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, जब वो पाकिस्तान चला गया क्योंकि वो पाकिस्तानी ही है तब उसे भारत सरकार अब आने नहीं दे रहा है, जो बिल्कुल सही है। अब वो पाकिस्तान में रहकर और ज्यादा रो रहे हैं कि भारत सरकार मुझे वीजा नहीं दे रहा है। अब यासीन मलिक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने वो बीवी बच्चे के पास चला जाए या फिर वो भारत में रहकर जो भी वो गलत काम किया है उसको वो भुगते। अब मैं पहले कोशिश करूंगा कि आप यासीन मलिक की जो वाइफ है उसका कुछ 30-40 सेकंड का वीडियो देख लीजिए, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। इसके साथ साथ इससे पहले और एक वीडियो देख लीजिए, जब कांग्रेस गवर्नमेंट था तब कैसे यासीन मलिक जैसे को प्रधानमंत्री हाउस तक बुलाया जाता था, और अब इस टाइम में प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम में यासीन मलिक की हालत क्या हो गया। कांग्रेस की ये बात सच है तो उनसे पूछना चाहती हूँ, JNK का एक सेपरेटिस्ट जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को खुलेआम उनके बीवी बच्चे के सामने मराया, वो एक प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके शेक हैंड किया है, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर उनको बुला करके जो सेपरेटिस्ट है, और इकट्ठा गुजार सकते हैं ना, कोई खुशी रह गई है जिंदगी में, अब ये आखिरी कफन बांध के हम आ गए यहाँ पे कि मेरी बेटी का आप लोग इसको सिक्योर करें, आज तक स्कूल नहीं जा सकती है पाकिस्तान के अंदर, हमें हर वक्त थ्रेट्स आती है रॉ की, और मेरी जब अभी 10वीं शादी की सालगिरह हुआ है 22 को तो मुझे यही थ्रेट्स आई कि ये आखिरी शादी की सालगिरह है, और उसी दिन उनको जेल में डाल दिया गया, उसके बाद उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ मेरा। आज शबे बारात की जो रात है कि मैं आपकी बहन लाहौर में है, मैं दाता दरबार भी जाऊंगी, मैं हर जगह जाऊंगी, मैं दुआ करूंगी अपने शौहर के लिए और आप सब लोग मेरा साथ दें इस वक्त। I want my papa as my birthday gift। उम्मीद है अब आप दो वीडियो देख लिए होंगे, और मेरा मानना है कि ये यासीन मलिक जैसे लोग जो निहत्ते कश्मीर पंडितों को मारा है, जो हमारी एयरफोर्स के ऑफिसरों को मारा है, इतने दिनों तक ये जिंदा रहना ये एक भारत के सिस्टम के ऊपर मजाक है। उनको बहुत पहले से ही ऊपर भेज देना चाहिए था, जो अभी तक हम नहीं किए। अब मेरे हिसाब से देर से सही अभी उनके ऊपर कार्रवाई करके जो भी सजा है उनको देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जितने दिन तक जिंदा रहेंगे ये इंसानियत के ऊपर मजाक की बात है। जो भारत खुद को एक बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है लेकिन खुलेआम जो आतंकवादी है वो हमारे सिस्टम का मजाक बनाते हैं और हमारे मीडिया में आकर बातचीत करते हैं। क्या दोस्तों आप मेरे ये बात पर सहमत नहीं हो, ये जितने लोग हैं उनको बहुत पहले ही फांसी पर लटका देना चाहिए था। आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।